ये वीडियो पबजी लवर्स और फ्री फायर लवर्स दोनों के लिए है। पबजी लवर जो है उन्हें कमेंट करना है और फ्री फायर लवर जो है उन्हें लाइक करना है। अब कौन ज्यादा बेस्ट है ये फैसला आपके हाथ में। बोला मेरी स्क्वाड मारेगा के क्या बोला मेरी स्क्वाड मारेगा बेटा बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। मेरे बेटे प्रो होने पर घमंड मत कर, रिवाइव करने से इनकार कर दूंगा। और जो तू ये कुत्तों की तरह AWM मांगता है अगर कभी गुस्सा आया तो खत्म कर दूंगा। बोला मेरी स्क्वाड मारेगा के क्या बोला मेरी स्क्वाड मारेगा बेटा बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। अगर कोई फ्री फायर में अपने आप को प्रो सोचते हो तो अपनी आईडी कमेंट में लिख दियो, कसम से जिंदा गाड़ देंगे। अगर कोई फ्री फायर में अपने आप को प्रो सोचते हो तो अपनी आईडी कमेंट में लिख दियो, कसम से जिंदा गाड़ देंगे। चलो आज एक गेम खेलते हैं। जो पबजी खेलते हैं वो कमेंट में हाई लिखो और जो फ्री फायर खेलते हैं वो कमेंट में हेलो लिखो। क्या भाई लोग अपने भाई को यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करोगे? क्या करूं मैं लोकेश गेमर जैसे करोड़ों की डायमंड टॉप अप करके आप लोगों को दिखाऊं तब सपोर्ट करोगे मुझे? सॉरी यार गांव से हूं ना, मेरा बाप आप इतना भी अमीर नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हो ना। क्यों यार गांव से हो इसलिए गवार सोचते हो ना, दिन में एक ही तो वीडियो अपलोड कर पाता हूं ना इसलिए गवार सोचते होगे। क्या करूं यार दिन में 1.5 GB मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। अभी आप लोगों को सपोर्ट करना है या नहीं करना है गाइस तो आप लोगों की मर्जी। ओ तू मेरा मुकाबला करना है? ओ काका मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। नो जब भी अपने दोस्तों को आजमाना हो ना सिर्फ एक आवाज देना, मेरी लड़ाई होगी। पिंकी का नंबर कौन लेगा? मेरे कारनामे तुम्हें बताएंगे मैं किस किस्म का हूँ कि मेरे कारनामे तुम्हें बताएंगे मैं किस किस्म का हूँ। मैं पैसा नहीं पसीना बहाकर चमका हूँ। माँ बाप को ऐश करवानी है इसीलिए पूरे कामों को छोड़ा है, पर तू छोटे घमंड मत कर क्योंकि हमने बहुतों का घमंड मिनटों में तोड़ा है। टाइम पे आने वाले चले भी जाते हैं, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते हैं। जिंदगी फूल और गाते हैं, खिलाता कोई नहीं सब अपने नसीब का खाते हैं। तू बताओ आप बड़े होकर क्या करोगे? सर शादी करूंगा। नहीं नहीं मेरा मतलब है बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा। अरे आई मीन टू से तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहोगे? सर दुल्हन। अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा और क्या। हराम खोर तेरे माँ बाप तुझसे क्या चाहते? पापा पोता। हे भगवान अरे जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो हमारे दो। अबे तू बैठ वरना चड्डी निकाल के फटके मारूंगा। सर गलती मेरी है, आप क्यों चड्डी निकालोगे? तुम्हें पता है लड़के और लड़कियों में क्या फर्क होता है? प्यार में धोखा मिलने के बाद लड़कियां बोलती हैं सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, और लड़कों को धोखा मिलने के बाद भी लड़के पता है क्या बोलते हैं? भाई मेरी वाली अलग है। तो बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ तुम्हारे संपर्क है ना वहाँ हमारे संबंध है। तेरा बाप भैया सारी हो जाए। मेरे आंखों में आंसू है नमी नहीं है, मेरे आंखों में आंसू है नमी नहीं है। आजकल झंड शायरी सुनाने वालों की कमी नहीं है। म्यूजिक गैरों की बदतमीजी तक बर्दाश्त नहीं, अपनों की हर चोट सहलूंगा मैं। गैरों की बदतमीजी तक बर्दाश्त नहीं, अपनों की हर चोट सहलूंगा मैं, और अगर अपने ही घर में पूछ कर आना पड़ गया इससे अच्छा तो किराए पर रह लूंगा मैं। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते राना को जी कहते हैं।
भाई इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? नकली है। तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। अगर मंजिल सामने दिख रही हो तो हम रास्तों को पेचीदा कर देते हैं। अगर मंजिल सामने दिख रही हो तो हम खुद ही रास्तों को पेचीदा कर देते हैं। और हम बंदे जरा टेढ़े हैं जनाब, लेकिन अच्छो अच्छो सीधा। हमें दोस्ती से नहीं बस नकली चेहरों से है परहेज। हमारी पीठ पीछे बात करके आज वो बन रहे हैं बहुत तेज। सामने से बोलते हैं सर सर, रहने दो छोटे, बराबरी करनी है तो सीधे बाप को भेज। बोले बे, तेरा बाप है बे। हाय, कैसा है भाई? देख अपन को एक बॉडी चाहिए। अरे किसका बॉडी भाई? अरे वो जो यहाँ इधर ऑपरेशन सिखा रहे ना काट के। अरे भाई काम ही नहीं है बॉडी। बिना कुछ करे दिन बदल नहीं सकते, और एटीट्यूड थोड़ा साइड में रखो मोहतरमा। आप जैसी कितनी है ब्लॉक लिस्ट में ये हम गिन नहीं सकते। यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरे कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। खोल दूँ क्या कपड़े? खोलूँ कपड़े? अरे ताकत लगा, खोल खोल कपड़े। फटाफट खोल के दिखाओ। मेहनत करने से तकदीर बदल सकती है छोटे, लेकिन बड़ी बड़ी बातों से औकात नहीं। खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रखूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। मैंने कहा ऐ मेरे मालिक चाहे और गंगाल करते, पर तेरा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। आई लव यू। तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाँ बोलूं? चल निकल। आई लव यू। तुम कौन? मैं वो ही हूँ जिसको तुमने कल प्रपोज किए थे, लेकिन अभी मैं वो नहीं हूँ जो कल था। सारे के सारे किरदार निकले भाई, भाई भी सब छोड़ के चले गए। तू तो नहीं जाएगा ना? तू नहीं जाएगा ना भाई? मेरे भाई तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए हो, मगर एक चीज का ख्याल रखना कि हम जान दे देंगे मगर तुझे जाने नहीं देंगे। एक दिन मिल गई थी रास्ते में, थोड़ी देर काफी प्यारी बात हुई, फिर एक सवाल उठा उसके जहन में, आखिर तुमने किया क्या है मेरे लिए? जब रिलेशन में थे तब तुम एक आइसक्रीम कुतिया की तरह चाट चाट कर खा रही थी, उसका बिल मैंने भरा था। मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों विलन है तू? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों मदारी है तू? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों विधवा है तू? विधवा? एक काम करता हूँ मैं तेरे को ही तेरी बत्ती सी गुल करता हूँ। क्यों डेंटिस्ट है तू? मसल के रख दूंगा। क्यों तंबाकू है तू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों हाजमोला है तू? अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? हमें तो आईना नहीं समझ पाया, तुम हमें क्या पहचानोगे? कि हमें तो आईना नहीं समझ पाया, तुम हमें क्या पहचानोगे? और ये मक्खन लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी, लगता है मरम्मत करवा के मानोगे। और पैसों के लिए तो सुना भी था, किसी का यूज करके अपनी औकात कौन दिखाता है? कि पैसों के लिए तो सुना भी था, किसी का यूज करके अपनी औकात कौन दिखाता है? और तुम गिरवी होते तो खरीद भी लेते, अब गिरे हुए की कीमत कौन लगाता है? भाई जो मेहनत करता है वही नाम करता है, ऐसे तो हर कोई अपने बाप के पैसों पे आराम करता है। मैं तो करता जाऊँ अपना काम, हेटर्स के मुंह पे रहता अब मेरा नाम। तू मेरी बस बुराई करता रहा हर शाम, तू तो अभी बच्चा है छोटे, अपने उस्ताद से पूछ जो देख के मारते हम इस्लाम। कौन बोला ऊपर आने के लिए अच्छी शक्ल चाहिए? बंदा खुश होना चाहिए, बस उसको होना सफल चाहिए। पर कॉपी करने की बात छोड़ दे, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, जो तेरे पास है नहीं छोटे। अरे पागल है वो लोग जो 8 फरवरी को प्रपोज कर रहे हैं। अरे समझदार तो वो लोग हैं जो 1 अप्रैल को प्रपोज करेंगे। मान गए तो कूल, वरना दीदी अप्रैल फूल। नो। तुम हमें क्या बुरा बनाओगे? हम पहले ही बदनाम है, तेरे दिमाग में जो 24 घंटे घूमता है वो हमारा ही नाम है। और तू छोड़ गई तो क्या तेरे लिए रोएंगे? ना बेटा हमें बहुत काम है। लड़कियां अपने आप को समझती हैं आलिया, उन्हीं को मिलता है कालिया, और उनके लिए बजाओ तालिया। बे एक्स पे कुछ हो जाए। एक्स पे? हाँ भैया। के जो छोड़ गया उसे दिल से हटाओ, जो छोड़ गया उसे दिल से हटाओ, खाओ पियो नहीं पटाओ।
तो ये वाला बर्थडे स्पेशल कि माना वो अमीर थे पर हम तो ठहरे झोपड़ी वाले, माना वो अमीर थे पर हम तो ठहरे झोपड़ी वाले और खुद तो कभी पार्टी देते नहीं और हमसे लेना हुआ तो आ गए भोसड़ी वाले। जब मुझसे पैसे वसूलने थे तब तो रिंग भी मेरे नाम की दी थी, कि जब मुझसे पैसे वसूलने थे तब तो रिंग भी मेरे नाम की दी थी, और जब मैंने कहा चलो शादी कर ले बोले पापा नहीं मानेंगे। अरे सेटिंग के अपने बाप से पूछी की थी यार, तूने उसको इतनी आसानी से मार कैसे दिया? आखिर तुझ में इतनी एनर्जी आई कहाँ से यार, मुझे तो बता। दारू पीऊं मैं? दारू इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी।